कोविड-19 के दौरान प्रवासी मजदूर गांव से गुजर बसर कर रहे हैं। उन महिलाओं को परमार्थ समाज सेवी संस्थान द्वारा न्यूट्रिशन किट वितरण की गई है। यह कार्य भी निरंतर जारी रहेगा। परमार्थ समाज सेवी संस्थान के जिला संयोजक रमाकांत राणा द्वारा बताया गया कि हमारी संस्थान जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती पर कार्य कर रही है एवं वृक्ष लगाओ वृक्ष बचाओ कार्यक्रम जारी किया गया, जिसमें सभी महिलाओं को शपथ दिलाई गई कि प्रत्येक महिला को 5-5 पौधे लगाना आवश्यक है। मोहनगढ़ से कैमरामैन अनुराग सेन के साथ अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। आज ग्राम ग्याजीपुरा में महिलाओं को जो न्यूट्रिशन किट बांटी गई, यह है किस संस्था के द्वारा बांटी गई और इसका उद्देश्य क्या है? हमारा नाम रमाकांत राणा है और हम परमार्थ समाज सेवी संस्था से हैं। ये जो पोषण किट आज बांटी गई है, ये जो कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, इसमें संस्था ने ये सोचा कि जो अभी किसान लोग हैं वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं, जो मजदूर हैं वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो उनकी जो महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं और शिशुवती हैं, उनको ठीक से पोषण आहार कैसे मिल पाए, या इस दौर में उनका जो दूध पिलाने के लिए बच्चा है उसके लिए ठीक से वो पोषण मिल रहा कि नहीं मिल रहा, जो गर्भवती है उसको ठीक से पोषण मिल रहा कि नहीं मिल रहा, तो ये सोच के हम लोगों ने कि उसके पोषण पर किसी भी तरह का अंतर ना आए, इसको देख के हम लोगों ने 5 गांव में ये तय किया है कि हम इस तरह की जो पोषण किट हैं वो गर्भवती और शिशुवती माताओं को बांटेंगे। सर, पोषण किट में कौन कौन से खाद्य पदार्थ बांटे गए? हम लोगों ने जो न्यूट्रिशन किट है, पोषण किट है, उसमें 5 किलो गुड़ दिया है जो गर्भवती महिलाओं को बहुत आवश्यक है, जिसमें आयरन जैसी बहुत अच्छी चीज़ें रहती हैं। मूंगफली जो है, 1/2 किलो मूंगफली है। 3 किलो हम लोगों ने दलिया दिया है उसमें। इसके अलावा 1 लीटर तेल है और एक प्रोटीन पाउडर करके है, वो भी हम लोगों ने उनको उसमें शामिल किया है। सर, आपकी संस्था के और क्या क्या उद्देश्य हैं और किस किस क्षेत्र में काम कर रही है? हमारी संस्था वैसे मूलतः तो पानी पे काम कर रही है। हम लोग जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पे विशेष तौर पे काम कर रहे हैं और जैविक खेती। हम लोग चाहते हैं कि किसान जो खेती कर रहा है उस खेती में किस तरह से नए बदलाव आएँ, कैसे वो लाइन सेविंग में खेती कर पाए, किस तरह वो उन्नत बीज ले पाए। हम लोगों ने गांव-गांव में जो बीज बैंक हैं वो भी बनाए हैं ताकि लोगों को इधर उधर बीज के लिए ना भटकना पड़े। तो किसान अपना बीज लेता है और बाद में वो जिस मूल्य का होता है तो उतना ही हम लोग ब्याज नहीं लेते, उसी मूल्य का वो अपने गांव की जो समिति है उस समिति के पास वापस करता है। इस तरह की हम लोगों ने व्यवस्थाएँ गाँव में बनाई हैं। और जो दौर है यहाँ का कि छिटका भी बीज बोते हैं, तो हम लोगों ने लाइन सोविंग डेमोस्ट्रेशन करके और जो रासायनिक खाद डालते उन रासायनिक खादों से और जैविक खाद की तरफ कैसे लोग बाग आए, इस पे हम लोगों का विशेष जोर है। कहाँ की निवासी है भाई? जो आपके गांव में आज परमार्थ समाज सेवी संस्था के द्वारा पोषक आहार किट बांटी गई है, यह मिलने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। और जो शासकीय योजनाएं हैं या आंगनवाड़ी है, इनके द्वारा आपको पोषक आहार अभी तक मिलता था क्या? नहीं, ये कुछ ये नहीं मिलता था, पोषक आहार मिलता। क्या मिलता था पोषक आहार में? पंजीरी। पंजीरी और चावल पंजीरी। कभी जैसे आप जब गर्भवती रही उस समय अभी छोटा बच्चा है, क्या आप लोगों को आयरन की टेबलेटें मिली? मिली। आपके गांव में आज जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो महिलाएं बच्चों को दुग्धपान करा रही हैं, उनके लिए खाद्य किट बांटी गई है जिसमें पोषक आहार हैं, यह किस संस्था के द्वारा बांटी गई है? परमार्थ समाज सेवी संस्था। तो इसमें आपको इनके द्वारा जो किट बांटी गई, इससे आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? और आपके द्वारा जैसे परमार्थ समाज सेवी संस्था है, जो एक प्राइवेट संस्था है, लेकिन जो शासन के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही थी, उनके द्वारा कभी आपको पोषक तत्व तो बांटी गई थी क्या? नहीं, जो शासकीय योजनाएं हैं आंगनवाड़ी वगैरह, इनके द्वारा कभी आपको पोषक तत्व तो बांटी गई?
हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।